ये लो, बन गया। और ये है क्या? सौम्या के लिए बनाया है, उसके चेहरे पे लगाने के लिए। क्यों? हमारे घर में क्रीम्स की कमी है क्या? युवराज, वो क्रीम से ठीक तो हो जाएगा, लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। वो गर्मी की वजह से होता है ना, उसे आम बहुत गर्म होते हैं। ये लगाएगी तो जल्दी आराम मिलेगा। कभी नहीं सुधरोगे। तो हम बिगड़े ही कब थे? नील, हर बात का टेढ़ा जवाब देने वाली अपने आप को सुधरी हुई बता रही है। अच्छा, और हर बात पे टेढ़ा मुंह बनाने वाले तुम? तुम्हें क्या कहे? अब कहाँ बनाता हूँ टेढ़ा मुंह? अपने तुम्हारी हरकतों पे हंसी आती है। अच्छा, इतनी फनी है हमारी हरकतें? फनी नहीं, अजीब सुहानी, अजीब। पर सुहानी, तुम जैसी हो वैसी रहना। डोंट चेंज फॉर एनीबडी, बदलना मत। जानते हैं, इसलिए तो बदलने की कोशिश नहीं कर रहे। सुहानी, अगर तुम बदलना चाहोगी बिना तो भी नहीं बदल सकती। ये तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। युवराज, ये तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, वो तुम्हारे फेस पे रैशेस हो गए थे तो मैंने सुहानी से कहा कि एक फेस पैक बना दे, वो ही चेक करने के लिए आया था। सुहानी, फेस पैक बन गया? हाँ हाँ, बस बस 5 मिनट और। सौम्या, एक बार पैक बन जाए तो लगवा लेना, एंड डोंट वरी, सुहानी है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। अब तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक हो जाओगी, राइट सुहानी? युवराज को कितनी केयर है मेरी, हाउ क्यूट। दादी, मैं अपने चेहरे पे पेस्ट लगाने वाली हूँ जिससे ये पिंपल्स तुरंत चले जाएंगे। तो क्या तब मैं आपके साथ चल सकती हूँ? सौम्या, हमने तुम्हें ये सजा इसलिए नहीं दी है कि तुम अपना चेहरा जल्दी ठीक करो, बल्कि ये सजा इसलिए दी है ताकि तुम्हें ये समझ में आए कि हमारी बात टालने का मतलब क्या होता है। दादी, बस भी कीजिए, अनजाने में मुझसे गलती हो गई और मैंने आपको सॉरी भी बोल दिया, फिर भी आप... सॉरी बोलकर तुम हम पर कोई एहसान नहीं कर रही हो सौम्या। गलती की है तो सॉरी बोलना तुम्हारा फर्ज बनता है। हाँ तो दादी, मैंने निभा लिया ना फर्ज, फिर आप क्यों फालतू में बात को खींच रही हैं? चुप रहो सौम्या, छोटे बड़े का लिहाज भूल गई हो क्या? आप ही फोर्स कर रही हैं कि मैं आपसे ऐसे बात करूं। ये थोड़े से पिंपल्स की वजह से आपने मुझे इस घर में बंद कर दिया। सौम्या, हमने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया है। जबान लड़ाने से पहले जाकर आईने में अपना चेहरा देखो। इस घटिया चेहरे को ले जाकर हम अपनी थुथु नहीं करवा सकते। सौम्या, ये तुम्हारे लिए दवाई, इसे तुम चेहरे पे लगा के आधे घंटे तक रखोगी ना तो सारे पिंपल्स चले जाएंगे। सुहानी, सुहानी तुम तो दादी की बातों को टॉलरेट कैसे करती है? सौम्या, सौम्या दादी ऐसी ही, उन्हें जो नहीं पसंद वो नहीं पसंद, उनके लिए वो हमेशा गुस्सा ही करेंगी। और सौम्या, तुम एक बात कभी मत भूलना, तुम दादी की पसंद हो,
तुम्हें इस घर की बहू बनाने में दादी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, इसलिए वो एक बार मेनका भाभी रागनी भाभी को माफ कर सकती है, पर तुम्हें वो हर गलती की सजा देंगी। अगर तुम इसी तरह उन्हें पलट कर जवाब दोगी ना, तो उसमें तुम्हारा ही नुकसान। अगर तुम चाहती हो कि तुम दादी की सबसे पसंदीदा बहू बनो, तो उसके लिए तुम्हें तमीज सीखनी होगी। अगर तुम्हें दादी की कोई बात बुरी लगती है तो तुम अपनी बात रखो उनके सामने, लेकिन पूरे सलीके के साथ। तुम जानती हो ना कि युवराज उनका सबसे लाडला पोता है, और उसी की बीवी अगर उनकी ना सुने तो उसके साथ क्या होगा? सौम्या भी अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। अरे हद हो गई मूर्खता की। हमारा चेहरा देखकर आज भी हमारी उम्र का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये है बिरलास की असली पहचान, और ये आजकल की जवान लड़कियां, इन्हें अपनी कोई कदर ही नहीं है। पड़ गया। उफ़ो, ये पड़ गई। चुड़ियाँ भी टेंशन में पड़ जाती हैं। हम इंजेक्शन लेना भी भूल गए। क्या हुआ दादी? रिलैक्स, अब बैठिए यहाँ पे, मैं अभी ये सब कुछ साफ करवाती हूँ। रमेश, रमेश, रमेश को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कर दूंगी। दादी, 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 I'm really sorry दादी, तो बहुत बड़ी गलती होगी, पर दादी I promise, मैं आगे से आपको कभी कंप्लेन करने का मौका नहीं दूंगी। पर दादी आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी आपके तरीके सीखने की। प्लीज दादी, जस्ट वन लास्ट चांस। दादी, दादी मैं अपना चेहरा, आपका आपका कमरा, ये जो सारा सामान है, मैं सब ठीक कर दूंगी दादी। प्लीज बस आप एक चांस दे दीजिए। समय तुम कुछ भी कर लो, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे। हाँ ऑफ कोर्स दादी, और मैं जाना भी नहीं चाहती। आफ्टर ऑल आपने जो मुझे सजा दी है, मैं उसे पूरा जरूर करूंगी। मैंने जो स्टूपिडिटी की है उसका यही रिजल्ट होना चाहिए, मैं इसी लायक हूँ। और आप अगर मेरे साथ स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो मैं सीखूंगी कैसे? ठीक है। थैंक यू दादी। दादी का कमरा मैं इतने अच्छे से डेकोरेट करूंगी कि दादी अपना सारा गुस्सा भूल जाएंगी। ये इंजेक्शंस, ये तो गिरके इन्फेक्ट हो गए होंगे, इन्हें रखना सही नहीं है। लो, आधे से ज्यादा तो एक्सपायर हो गए। एक काम करती हूँ, सारे फेंक देती हूँ। देखती हूँ दादी मुझे माफ कैसे नहीं करती।
डॉक्टर साहब, हमारे चेहरे की खुजली बहुत बढ़ती जा रही है और स्वेलिंग भी बहुत हो गई है। चंद्रकला जी, आप तुरंत अपना इंजेक्शन लगाइए, आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा और कल सुबह ही मेरे क्लिनिक आकर मुझे दिखाइए। अच्छा ठीक है। सौम्या, ये क्या किया तुमने? इससे पूछकर हमारे सामान को हाथ लगाया? दादी, ये सब जल्दी कैसे वापस आ गए? हमें, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? किससे पूछकर तुमने हमारे इंजेक्शन डस्टबिन में फेंके? हमें अभी वो इंजेक्शन चाहिए थे। क्या हुआ दादी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? दादी, वो मुझे लगा वो इंजेक्शन गिर गए तो उनमें जर्म्स लग गए होंगे, इसीलिए मैंने फेंक दिए। हमें वो अभी चाहिए। दादी, आप ज्यादा बात मत करिए, आप चुपचाप आराम करिए। हमको समय, तुम एक काम करो, तुम जाके ना डस्टबिन में ढूंढो, एक ना एक इंजेक्शन मिल ही जाएगा। छी, मैं डस्टबिन को हाथ नहीं लगाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम ध्यान रखो, हम देखते हैं। दादी, आप शांत हो जाइए। दादी, ये देखिए, एक इंजेक्शन मिला हुआ है, ये टूटा नहीं था, ये लगा दें हम आपको? सुहानी, ये सारे इंजेक्शन एक्सपायर्ड हैं। क्या? दादी, आप 5 मिनट रुकिए, हम ना बाजार से कुछ एक नया इंजेक्शन ले आते हैं। सोमा, ध्यान रखना तुम, हम बस अभी आए। रमेश भैया, दादी, I'm really sorry. मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था, मैं तो बस आपको कमरा सेट करना चाह रही थी, बस। I'm sorry, दादी। Star Plus के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू Star Plus YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।